इटावा में सुबह से हो रही तेज बारिश, बारिश के चलते सैफई इटावा अंडरपास बना तरणताल। सैफई इटावा अंडरपास में फंसी सरकारी एम्बुलेंस जिसमें बैठी थी गर्भवती महिला। एम्बुलेंस घंटों फंसी रही अंडरपास में भरे पानी के अंदर। अक्सर बारिश के मौसम में अंडरपास बन जाती है नदी। अंडरपास में बारिश के मौसम में फंसती है अनगिनत वाहन। अंडरपास में फंसी एम्बुलेंस जिसमें थी गर्भवती महिला को तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जेसीबी मशीन से रेस्क्यू करके निकाला गया। इटावा का जिला प्रशासन कर रहा है किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार। इटावा में अंडरपास की बदहाली को लेकर जिला प्रशासन ले रहा है गहरी नींद। नहीं खुल रही है प्रशासन की आंख। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर इटावा से है। तेज मूसलाधार बारिश में मैनपुरी मार्ग पर बने अंडरपास में भरा पानी। गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस और यात्रियों से भरी रोडवेज बस पानी में फंसी। जेसीबी मशीन के द्वारा रेस्क्यू कर एम्बुलेंस और रोडवेज बस को पानी के बाहर निकाला गया।